बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 अदद ब्रेड स्लाइस, 1 प्याली चीनी, 1 प्याली घी, 1 चमचा लेमन जूस और मैंने लिया है 1/4 चमचा फूड कलर और मैंने लिया है 1/2 प्याली नारियल का बुरादा कह लें या नारियल का पाउडर। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम डालेंगे चीनी 1 प्याली एक बर्तन में, और जिस प्याली से हमने 1 प्याली चीनी डाली है उसी प्याली से हम डालेंगे 1 से 1.5 प्याली पानी। हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 प्याली पानी और, पहले मैंने 1 प्याली डाला था, अब इसे हम चीनी घुलने तक पकने देंगे। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे घी। घी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ब्रेड स्लाइस डालकर अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ब्रेड स्लाइस डालकर लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। ये देखें ब्रेड स्लाइस लाइट गोल्डन फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा फ्राई कर लेंगे। ये देखें दूसरा भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसी तरह हमने सब फ्राई कर लेना है। ये देखें 6 ब्रेड स्लाइस मैंने लाइट गोल्डन फ्राई कर लिए हैं और 1 प्याला घी सब इसमें लग गया है। ओके, ये देखें चाशनी हमारी पक गई है, इसे मैंने अच्छा गाढ़ा गाढ़ा बनाया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चमचा लेमन जूस और फूड कलर और डालकर इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखें चाशनी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसमें फूड कलर और लेमन जूस डालकर इसे 5 मिनट के लिए पका लिए है। अब इसमें हम चूल्हे को हम कर देंगे बंद। इसमें हम डालेंगे ये जो हमने ब्रेड स्लाइस फ्राई किए हैं और इसे इसमें डालकर हमने अच्छी तरह से चाशनी अब्सॉर्ब करने तक रखना है। देखें ये देखें चाशनी अच्छी तरह ब्रेड में अब्सॉर्ब हो गई है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सब कर लेना है। ये देखें चाशनी से ब्रेड स्लाइस को निकाल कर इस पर हमने थोड़ा थोड़ा डालना है नारियल का बुरादा और इसी तरह हमने सबको तैयार कर लेना है। ये देखें अब हम दूसरा तैयार कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह स्वीट ब्रेड बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।